मणिपुर में भाजपा की जीत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाओं के बीच आज कार्यवाहक सीएम एन बीरेन सिंह, टीएस विश्वजीत सिंह और एके शारदा देवी दिल्ली दौरे पर हैं। थोड़ी देर में बीरेन सिंह, विश्वजीत सिंह और शारदा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और थोड़ी देर पहले ही सभी नेता दिल्ली स्थित मणिपुर भवन में नड्डा और शाह से मिलने के लिए रवाना हुए हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पूर्वोत्तर से मणिपुर से आ रही है, क्योंकि मणिपुर के सभी बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में हैं और मणिपुर में किसकी अगुवाई में सरकार बनने जा रही है अब ये तय होगा। चर्चा करने के लिए ये नेता दिल्ली में हैं। मणिपुर में भाजपा की जीत के बाद नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है और इस वक्त ताज़ा जानकारी भी सामने आ गई है। ये तीनों नेता जो दिल्ली में थे, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली थी और ये बैठक शुरू हो गई है। उस बैठक की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त बता दें कि मणिपुर में सरकार बनाने की जद्दोजहद बीजेपी के अंदर चल रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये फैसला आने वाला है और ये तय करेंगे पार्टी के जो आलाकमान हैं, दिल्ली स्थित शीर्ष नेता हैं, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनसे मुलाकात होने जा रही है और गृहमंत्री अमित शाह जिनसे मुलाकात चल रही है। ये तीनों नेता दिल्ली में हैं और ये बैठक जारी है। नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह जो निकल के गए हैं। अभी जो है बीजेपी हेड ऑफिस जाएंगे और बीजेपी हेड ऑफिस में जो है जेपी नड्डा और अमित शाह से एक बैठक होगी। उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा मणिपुर गवर्नमेंट के, जिस तरह से गवर्नमेंट का जो मुख्यमंत्री हो या अन्य जो मंत्रिसभा है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। कैमरा पर्सन दीपक दिखाएंगे कि किस अभी निकल के गए हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके साथ मणिपुर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी गए हैं एक साथ निकल के। कुछ ही समय बाद वो लोग बैठक करेंगे और बैठक के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। उसी के चलते मणिपुर भवन में रुके हुए हैं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर थी और इस वक्त बैठक शुरू हो गई है। आज सुबह तीनों नेता चार्टर्ड प्लेन से इम्फाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। मणिपुर में बहुमत के बाद भी नई सरकार के नेता के नाम को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है और इस पर चर्चा जारी है। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर कार्यवाहक सीएम एन बीरेन सिंह के अलावा रेस में टी विश्वजीत सिंह का नाम भी सबसे आगे चल रहा है, जिसके चलते पार्टी दो खेमों में बंटी हुई है। ये कारण है कि भाजपा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं कर सकी थी और चुनाव जीतने के बाद अब तक मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हो पाया है। देखना होगा कि हाईकमान किस पर अपना भरोसा जताता है। और फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं की मुलाकात हो रही है। बहुत जल्द ये तस्वीर अब साफ होने वाली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद चंद्र भी जुड़ रहे हैं। शरद, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप मणिपुर में किस तरह की चहल पहल है? वहाँ तो सांसें थमी हुई होगी क्योंकि दिल्ली में मुलाकातें हो रही हैं। रविंद्रन, देखिए आज सवेरे सवेरे 10:15 पर ये एक चार्टर फ्लाइट पे मणिपुर की केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के साथ साथ भाजपा की बड़े नेता विश्वजीत थोंगाम विश्वजीत और साथ साथ भाजपा मणिपुर प्रदेश के अध्यक्ष एके शारदा, ये तीनों मणिपुर इम्फाल हवाई अड्डे ये 10:15 पर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना हुआ और वो पहुँच चुके हैं। और हमें मिली जानकारी के अनुसार अभी मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग दोपहर को 3:30 शुरू होने वाले थे, लेकिन मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, अगर यही बात ये मीटिंग सीएम की चेहरा कौन होंगे, ये मणिपुर का ही नहीं उत्तराखंड और गोवा समेत तीनों राज्यों का चल रही है। मणिपुर की समय 3:30 दिया गया था, हालांकि थोड़ा निलंबित जरूर हुआ है, लेकिन अभी मीटिंग शुरू हो चुका है ये भाजपा की जो कारण ये ऑफिस में। और ये मीटिंग हो सकता है काफ़ी लंबा चले, क्योंकि उसमें कौन चीफ मिनिस्टर होंगे नया और कौन किसकी अगुवाई पर मणिपुर पर सरकार किसकी अगुवाई पर भाजपा सरकार बनेंगे, इस पे नतीजा निकलना है। तो हो सकता है कि ये मीटिंग काफ़ी लंबा चले, लेकिन ये मीटिंग के बाद एक ये साफ हो जाएगी, क्योंकि मणिपुर में सभी लोग उस पर नज़र टिके हुए हैं
बनेगा तो चीफ मिनिस्टर बनेगा तो कौन बनेंगे और कब तक मणिपुर में नया सरकार देखने को मिलेगी, ये सभी दूर हो जाएंगे मणिपुर में। अगर दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आज 15 तारीख है मार्च की, ये 15 तारीख अगर 2017 की बात करें तो आज ही के दिन मणिपुर में भाजपा की सरकार की जो गठन हुई थी, और हो सकता है कि ये आने वाला दिनों में इस बार 2022 को लेकर के नया सरकार हमें बनने को बनता हुआ देखे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि 19 तारीख को ये कार्यकाल जो 11वां मणिपुर असेंबली जो है उसकी कार्यकाल ख़त्म होने को है, उससे पहले नए सरकार की गठन होना बहुत ज़रूरी है। रविंद्रन बिल्कुल शरद, आपने कहा कि 15 तारीख जो है वो काफ़ी निर्णायक होने जा रहा है और 19 तारीख को सरकार की कार्यकाल समाप्त हो रही है, इससे पहले शपथ ग्रहण होना है, ऐसे बातें कही जा रही हैं। जो मुलाकातें चल रही हैं भाजपा के शीर्ष नेताओं की, शरद अगर हम इतिहास को देखें, भाजपा के फैसलों को देखें, तो भाजपा का जो नेतृत्व है वो काफ़ी इसी तरह से चौंकाने वाला फैसला लेता है। कुछ दिन पहले तक बीरेन सिंह को लेकर ये अटकलें थी कि बीरेन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछले दिनों की अगर बातों को ध्यान में रखें, जिस तरह से झारखंड में रघुबर दास को बनाया गया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया, योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तो इस तरह के चौंकाने वाले फैसले पार्टी आलाकमान लेते रहता है। पार्टी की जो विधायक हैं मणिपुर में, किसके पक्ष में जनाधार आपको नज़र आता है, और क्योंकि आपने कहा कि ये लंबी बैठक हो सकती है, किसके पक्ष में हवा बनती नज़र आ रही है? रविंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर चौंकाने वाले फैसले अगर भाजपा हाईकमान की अगर बात करें तो फिर हमने कई राज्यों पे ये देखने को मिली है हाल ही में, उत्तराखंड में, और रही बात गुजरात पे भी चौंकाने वाले जो पहले का चीफ मिनिस्टर उसको हटा करके दूसरा चीफ मिनिस्टर की घोषणा की गई, कर्नाटका में हमने देखा है, ये सब हो सकता है मणिपुर में भी हो, लेकिन ये जो मीटिंग जो है उसके बाद ही पता चल पाएंगे। देखिए, इस बार एन बीरेन सिंह की अगुवाई पर मणिपुर में चुनाव लड़ा गया था 2022 की, साथ साथ इस बार 2017 के मुकाबले इस बार 2022 में ज़्यादा सीटें भाजपा की खेमे में आया, 2017 में 21 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 2022 की चुनाव में भाजपा की 32 सीटें मिली है। कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की अगर उनकी 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 अहम भूमिका की बात करें तो चीफ मिनिस्टर की उनकी 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 अगुवाई पर ये चुनाव लड़ा गया और काफ़ी सीटें जीती। रही बात विश्वजीत की, 2017 में उनको उनकी उनकी ये भाजपा केंद्र सेंटर की तरफ से उनको मनाया गया था कि 2017 में बीरेन सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। रही बात विश्वजीत की, उनकी अहम भूमिका है मणिपुर में भाजपा की संगठन को मजबूत करने में, क्योंकि 2012 में सबसे पहले बहुत सालों बाद विश्वजीत ही एक ऐसे थे, वो विधायक बने भाजपा की तरफ से, और मणिपुर में बहुत सालों बाद 2012 में भाजपा ने अपना अकाउंट खोला। कहीं ना कहीं विश्वजीत का भी काफ़ी उनकी अहम भूमिका है भाजपा को मजबूत करने में, और साथ साथ इस बार की 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें भी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह की अगुवाई पर उसकी नेतृत्व में चुनाव लड़ी और ज़्यादा सीटें मिली रविंद्रन। और मणिपुर की अगर सरकार बनने की अगर बात करें तो फिर ये 2-4 दिन 19 तारीख से पहले सरकार बनना चाहिए, क्योंकि जो 11वां जो ये मणिपुर असेंबली के कार्यकाल 19 तारीख को ख़त्म होंगे, उससे पहले सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, और मीटिंग जो है आज ही मीटिंग बहुत अहम इसलिए है कि कहीं ना कहीं नतीजों पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत कम दिन बचा हुआ है, और मणिपुर में जो भाजपा की तरफ से केंद्रीय हाईकमान की तरफ से जो भी ऑब्जर्वर जो भेजने हैं वो कल ही नाम निश्चित किए गए थे, उसमें निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू मणिपुर आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। कहीं ना कहीं दिल्ली की मीटिंग की रुख साफ होते ही ऑब्जर्वर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कौन लीडर होंगे बीजेपी लेजिस्लेचर की और कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये सभी साफ हो जाएंगे आने वाले दिनों में। रविंद्र जी, शरद, इन नेताओं के बीच 50-50 चांसेस हैं, आपने कहा कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी रही और सबकी बड़ी भूमिका रही, आपने विस्तार से समझाई, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे जो काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब बैठक हो रही है दिल्ली में और ये सवाल इस वक्त जल्दबाजी होगा, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, इन नेताओं का काफ़ी बड़ा जनाधार है मणिपुर में, टी विश्वजीत हैं और एन बीरेन सिंह, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है कुछ दिनों के
जो पिछले दिनों में इन्होंने जो काम किए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इन नेताओं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अगर बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो उनकी आने वाले में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, या बिश्वजीत को नहीं बनाया जाता है तो उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, अगर बिश्वजीत को अगर चीफ मिनिस्टर पद उनको नहीं सौंपा जाता तो उनको कैबिनेट में रहते हुए बहुत अहम पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को इस बार चीफ मिनिस्टर न बनाया जाता तो फिर उनको ये हो सकता है। बाकी हम राज्यों में, दूसरे राज्यों में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में उनको पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन एक क्लियर पिक्चर आना अभी बाकी है। मीटिंग चल रही है, मीटिंग काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में कल तक मीटिंग की कुछ नतीजे निकलना चाहिए। और साथ साथ ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुँचे मणिपुर पर, और ये जो लेजिस्लेटर लीडर जो है उसकी घोषणा करें मणिपुर में जल्द से जल्द नया सरकार गठन हो। रविंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए शरद आपका। तो मणिपुर में सरकार बनाने के लिए कवायद शुरू हुई है और दिल्ली में बैठकें हो रही हैं। मणिपुर के शीर्ष नेता एन बीरेन सिंह, टी बी सुजीत और ए शारदा देवी दिल्ली पहुंची हुई है, जहां शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो रही है। अब जल्द ही ये तस्वीर साफ होगी कि मणिपुर में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।